तीन हार के बाद कैसे मिली सीएसके को 10 विकेट से जीत, धोनी ने किया खुलासा। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में लगातार तीन हार के बाद दमदार वापसी करते हुए 10 विकेट से जीत हासिल की। रविवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब की टीम को एक तरफा मुकाबले में करारी शिकस्त दे दी। चेन्नई की इस रिकॉर्ड जीत के बाद टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राहत की सांस ली। आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले वॉटसन की पारी के संदर्भ में धोनी ने कहा, यह सिर्फ अधिक आक्रामक होना नहीं है। वह वॉटसन नेट पर गेंद को काफी अच्छी तरह हिट कर रहा था और आपको इसे पिच पर दोहराना होता है, यह समय समय की बात है। इस सीजन में लगातार अच्छा खेल दिखा रहे डुप्लेसिस की पारी पर धोनी ने कहा, सैमी कोलिन फॉक्स हमारे लिए एंकर की भूमिका निभाता है और बीच के ओवरों में अच्छे शॉट खेलता है। वह लैप शॉट के साथ हमेशा गेंदबाज को भ्रम में डालता है। धोनी ने कहा कि पंजाब की टीम को कम स्कोर पर रोकना महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा, पहले तीन चार मैच देखने के बाद मुझे लगा कि अगर आप उन्हें कम स्कोर पर रोकते हो तो उन पर दबाव डाल सकते हो। सभी टीमों के पास आक्रामक बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी को ध्वस्त कर सकते हैं और हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने जीत पर कहा, अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्लान है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच बहस नहीं होती है, लेकिन यह एक योजना है, यही हमारे बीच के संबंध है। हमने अपने पिछले तीन से चार मैचों को देखा और सोचा कि जरूरी काम है विपक्षी टीम को कम रन पर रोकना है, इससे उन पर दबाव बनाना आसान होता है। सभी टीमों के पास आक्रामक बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी को ध्वस्त कर सकते हैं और हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमें ऐसे शॉट्स की जरूरत थी जो हमें लय में ला सके। वाटो और फाफ ने खुद को उन शॉट्स के लिए तैयार किया जिनके लिए वे जाने जाते हैं।